नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वो अपने कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है हमेशा नए नए। और 2021 में YouTube बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और वो बहुत सारे ऐसे नए नए अपडेट लाता रहता है जिससे कई क्रिएटर्स को फ़ायदा भी मिलता है और नुकसान भी होता है। तो YouTube ने इस बार जो भी कुछ अपडेट किया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा दिल खुश कर देने वाला है और इस अपडेट को सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। तो दोस्तों YouTube का ये अपडेट के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि चैनल पे आप लोग का जो भी वीडियो होता था, किसी के वीडियो या आप लोग जो भी वीडियो देखते थे उस पर आप लोग को लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन शो होता था, यानी कि एक लाइक का टैब होता था, एक डिसलाइक का बटन होता था। तो आप लोग को अगर लाइक करना होता था तो आप लोग लाइक कर देते थे, अगर आप लोग को डिसलाइक करना होता तो आप लोग डिसलाइक कर देते थे। लेकिन अब आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि YouTube ने जो डिसलाइक का बटन है उसको ही ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब आप लोग किसी का भी वीडियो को डिसलाइक नहीं कर सकते। और ये डिसलाइक ना करने के लिए YouTube ने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि YouTube ने बहुत सारे लोगों का जो YouTube वीडियो डिसलाइक किया जाता था, बहुत जम के लोग डिसलाइक कर देते थे किसी भी वीडियो पर, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते थे और YouTube पर काम करना छोड़ देते थे। शायद इसलिए YouTube ने इस बात को परख के इस अपडेट को लाया है कि YouTube पे जो भी डिसलाइक है वो आप लोग को नहीं दिखेंगे, बटन तो रहेंगे, आप लोग लाइक वाला बटन पे लाइक कर सकेंगे लेकिन डिसलाइक पे अगर डिसलाइक भी करेंगे तो आप लोग को नहीं दिखेगा। इससे क्या होगा, जो भी पर्सन है उसको पता चल जाएगा कि किसी ने भी वीडियो को जब आपको दिखेगा ही नहीं तो आप लोग डिसलाइक करेंगे ही नहीं। तो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि लोग डीमोटिवेट ना हो और यूट्यूब बनाना बंद ना करें, ऐसा शायद मेरा मानना है यूट्यूब ने इसलिए किया है। तो यूट्यूब का एक नया अपडेट ये है डिसलाइक और लाइक के बारे में, यहाँ पे आप लोग डिसलाइक नहीं कर सकते किसी का भी वीडियो, चाहे कम्युनिटी पोस्ट में हो या चाहे किसी भी वीडियो के ऊपर हो। तो ये एक नया अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि आप लोग अपने वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आपका वीडियो को भी वॉच कर सकता है और इससे आपका वॉच टाइम इंक्रीज हो जाएगा व्यू। दोस्तों YouTube का तीसरा अपडेट ये है कि आप लोग जो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो भी कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पे आप लोग जो है अपना जो चैप्टर है, जो जैसे कि 2 मिनट में आपने क्या बताया, 4 मिनट में आपने क्या बताया, 5 मिनट में आपने क्या बताया, तो चैप्टर के जरिए से आप लोग उसको कोई भी नीचे मिनट में डाल सकते हैं। तो वहाँ पर कोई भी जब डिस्क्रिप्शन में आपके मिनट पर आप लोग कोई क्लिक करेगा तो वो सीधे आपके उसी टॉपिक पे पहुंचा देगा, उसी मिनट टाइम पे आप लोग को पहुंचा देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा। वो कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार देख चुके होंगे वीडियो तो उनको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वो लोग फिर जाके उसी मिनट पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो फिर उसी जगह से आप लोग को वो लोग फिर देख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होगा तो वहाँ से आप लोग का व्यूज भी बढ़ जाएगा, तो इससे आप लोग का भी फायदा ही है। तो और लोगों को भी इंटरेस्ट बढ़ेगा यूट्यूब में कि हाँ कोई भी चैप्टर हम लोग अपने हिसाब से, फिर भी वैसे आप लोग फॉरवर्ड करके देखते रहते थे कहाँ पे लेकिन तुरंत नहीं मिल पाता था, लेकिन जब चैप्टर दिखेगा तो वहाँ पे आप लोग तुरंत क्लिक करेंगे और उस चीज़ को आप लोग आराम से देख पाएंगे। ये अपडेट बहुत ही अच्छा है। YouTube का चौथा अपडेट दोस्तों ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जैसे आप लोग टाइटल में कुछ भी लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें टॉपिक लिख देते हैं, टैग लगाते हैं, उसके बाद आप लोग बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लंबा उस टॉपिक के बारे में कई सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन अब वहाँ पे आपको इमेज का भी ऑप्शन कुछ दिन में दिखने लगेगा। अभी ये अपडेट करेगा कई लोग की, जब प्ले स्टोर से आप लोग अपडेट करोगे तो उसके बाद आप लोग को दिखने को मिल जाएगा। तो क्रोम में आप लोग इसको एडिट कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोग को क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखने के बाद आप लोग जो है उसमें अपना फोटो इमेज भी कुछ भी किसी भी टॉपिक पर जिस पर बता रहे हो तो आप लोग उसको इमेज के जरिए से भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसको डिस्क्राइब शो कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। 5वां अपडेट यूट्यूब का है, ये बहुत ही अच्छा कमाल का और सारे क्रिएटर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और दिल खुश कर देने वाला अपडेट है। ये अपडेट ये है कि पहले आप कोई भी वीडियो अपलोड कर देते थे, अगर वो कॉपीराइट वाला होता था, चाहे वो सॉन्ग का मान ले या किसी का वीडियो कंटेंट, तो बाद में आप लोगों को उसका ईमेल आ जाता था कि आपने उसका कॉपीराइट आपको आया है, उसका आप लोगों ने यूज किया है। लेकिन YouTube ने इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे गलत कर रहे थे, बहुत सारे कॉपीराइट वीडियो डाल रहे थे, उन लोग को पता ही नहीं था। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आप लोग जब टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिख लोगे उसके बाद आप सेकंड पे जब पोस्ट पब्लिश करने के लिए जब सेकंड करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग अपना जो है चेकिंग का ऑप्शन आप लोग को वहाँ पे दिख जाएगा। इससे आप लोग चेक कर सकोगे कि आपको वीडियो में
कोई भी कॉपीराइट है आप लोग का, जो भी वीडियो का आपका जो भी कंटेंट है वो आपका खुद का कंटेंट होगा तो कोई बात नहीं। अगर किसी का भी कंटेंट कोई भी यूज़ किएगा तो यूट्यूब तुरंत ही उसी टाइम आपको चेक करके बता देता है 2-4-5 मिनट में कि आपका ये कंटेंट कॉपीराइट मिला हुआ है। वहीं से आप लोग को पब्लिश करने से पहले आप लोग को पता चल जाएगा। पहले पब्लिश करने के बाद आपको ईमेल आता था कि आपका कॉपीराइट इसमें साउंड या कुछ जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे चेकिंग के दौरान ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका ये कॉपीराइट है और आप लोग उसको सही तरीके से अपना सेट कर सकोगे, यानी कि उसको आप लोग चाहो तो अपलोड करो या ना करो, या वहीं से आप लोग कट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपका मोनेटाइज वीडियो होगा कि नहीं और आपको कॉपीराइट मिलने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के अपडेट में बहुत ही अच्छा अपडेट आया है और इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा अब नए यूट्यूबर्स और जितने भी सारे क्रिएटर हैं। तो ये अपडेट बहुत ही अच्छा, आप लोगों को कौन सा अपडेट अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब के लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।